अब मान लीजिए ये W1 और W2 की एंट्रेंस है, ठीक है। W1 भी एक नेगेटिव एंट्रेंस होती है, W2 भी एक नेगेटिव एंट्रेंस होती है। इनके क्या इफेक्ट होते हैं ये आप जड़ीय वास्तुशास्त्र में आराम से पढ़ सकते हैं। W3 की जो एंट्रेंस होती है ये बहुत पॉजिटिव एंट्रेंस है, बहुत पैसे देती है। W4 की एंट्रेंस भी बहुत पॉजिटिव एंट्रेंस। अगर W1 और W2 की एंट्रेंस है तो आप क्लाइंट के घर में यहां पे इंटेंशनली एक मिरर प्लेस करके W3 की एंट्रेंस को वर्चुअली क्रिएट कर सकते। तो एंट्रेंस के कंटेक्स्ट में मिरर्स के दो यूज हैं। गलती से अगर गलत मिरर लग गया तो पॉजिटिव एंट्रेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। अगर नेगेटिव एंट्रेंस है और उसके सामने वॉल है या कोई ऐसा प्रोविजन है कि आप उसके अंदर एक पॉजिटिव एंट्री क्रिएट कर सकते हो, तो मिरर की मदद से आप वो काम भी कर सकते हो। मान लीजिए दीवार नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा स्टैंडिंग मिरर आता है। ऐसा स्टैंडिंग मिरर अगर आप एंट्रेंस के सामने पीछे कोई स्टैंड वगैरह लगा के खड़ा कर दोगे तो भी एंट्रेंस की रिफ्लेक्शन उस मिरर में आ जाएगी। उससे क्या होगा, पॉजिटिव एंट्रेंस क्रिएट हो जाएगी मिरर की मदद से।